हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट भारती श्री। इनबीसी न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। सत्यार्थ नायक की बुक श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस को करण जौहर ने किया लॉन्च। आज मुंबई में करण जौहर ने सत्यार्थ नायक की बुक श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस को लॉन्च किया। यहां करण ने रिवील किया कि वो बचपन से ही श्रीदेवी के फैन रहे हैं और उनके गानों पर भी चुपके से डांस किया करते थे। करण ने एक बड़ी बात ये भी रिवील की और बताया कि कलंक में श्रीदेवी ने कुछ चेंजेस करने के लिए सजेस्ट किया था और करण को मलाल है कि उन्होंने वो चेंजेस नहीं किए। हम आपको बता दें कि कलंक में जिस किरदार को माधुरी दीक्षित ने निभाया है, पहले वो किरदार श्रीदेवी करने वाली थी, पर उनका आकस्मिक निधन हो गया और वो फिल्म फिर माधुरी ने की। इन बातों में ये भी पता चला कि श्रीदेवी ने 5 सालों तक अमिताभ के साथ काम करने से इनकार किया था। श्रीदेवी को लगता था कि अमिताभ की फिल्मों में उनके लिए दमदार रोल नहीं होगा, पर खुदा गवाह में श्रीदेवी को साइन करने के लिए अमिताभ ने उन्हें फूलों का एक ट्रक भिजवाया था। उसी बात पर श्रीदेवी मानी थी, लेकिन श्रीदेवी की एक शर्त थी कि फिल्म में वो माँ और बेटी दोनों का रोल करेगी, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज फुटबॉल खेलती आई नजर। हर संडे बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच खेलते हैं और इस संडे भी कई सारे सेलिब्रिटीज फुटबॉल मैच खेलने पहुंचे थे। बंटी वालिया प्ले ग्राउंड भी अपनी वाइफ और बच्चों के साथ पहुंचे थे, जहां रणबीर कपूर के साथ साथ और दूसरे कलाकार भी बच्चों के साथ मस्ती करते नजर आए। यहां बंटी वालिया, रणबीर कपूर, ईशान खट्टर, इब्राहिम अली खान, शब्बीर अहुवालिया, शशांक खैतान, समीर कोचर और भी कई कलाकार नजर आए। फुटबॉल खेलते समय रणबीर कपूर के लिप्स में चोट लग गई, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए मैच को रोक दिया गया था और फिर बाद में सभी ने फुटबॉल मैच खेला, लेकिन रणबीर कपूर वापस फिल्म में नजर नहीं आए। बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं बॉलीवुड के खट्टे मीठे खबरों के साथ।